देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को मंगलवार को निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अगला चेयरमैन चुना गया है। 35 वर्षीय जय शाह ICC के सबसे युवा चेयरमैन होंगे और 1 दिसंबर 2024 से नया पद संभालेंगे। वह न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे, जिन्होंने तीसरी बार चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया था। जय शाह चेयरमैन पद के लिए नामांकन करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। जय शाह 2019 से BCCI सचिव हैं। वह अगले महीने या फिर अक्टूबर में होने वाली बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में सचिव पद से इस्तीफा देंगे। वह अभी ICC में सबसे ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख हैं और 2022 से पद संभाल रहे हैं। इसके साथ ही वह 2021 से 2024 तक एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जय शाह ICC चेयरमैन बनने वाले चौथे भारतीय होंगे। उनसे पहले जगमोहन डालमिया 1997 से 2000, शरद पवार 2010 से 2012 और शशांक मनोहर 2016 से 2020 हैं, जिन्होंने अतीत में ICC के प्रमुख का पद संभाला है। जय शाह ने कहा, मैं ICC का अगला चेयरमैन बनकर अभिभूत और क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाने के लिए सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हमारा लक्ष्य है क्रिकेट को पहले से भी ज्यादा समावेशी और लोकप्रिय बनाना है। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करना खेल के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ है और मुझे विश्वास है कि यह क्रिकेट को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाएगा।